हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, ये वैकेंसी आई हुई है जिसमें टोटल 16 वैकेंसीज निकाली गई हैं एंड इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ये वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आपका इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट की मंथली 31,000 सैलरी निर्धारित की गई है एंड 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड का समय रखा गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी तरह की पोस्ट निकाली गई हैं एंड इसमें कितनी पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और इनके इंटरव्यू का डेट एंड टाइम क्या है, तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो इसमें पहली पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसके लिए 6 पोस्ट आई हुई हैं एंड इनके इंटरव्यू का डेट एंड टाइम 4 जनवरी 2021 रखा है 9:30 के में। इसकी दूसरी पोस्ट है दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं एंड इनके इंटरव्यू का डेट एंड टाइम 6 जनवरी 2021 की रखी गई है। दोस्तों, इसकी चौथी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जिसके लिए 3 वैकेंसीज आई हुई हैं एंड इसमें इसका डेट एंड टाइम 8 जनवरी 2021 रखा गया है। दोस्तों, इसकी चौथी पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की, जिसके लिए 4 वैकेंसीज आई हुई हैं एंड इनके इंटरव्यू का डेट एंड टाइम 11 जनवरी 2021 की रखी गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इस फॉर्म को मेल एंड फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड इसके लिए बात करें इसकी क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन की, तो इसमें ग्रेजुएट डिग्री के कैंडिडेट जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स बी एंड बी टेक को फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट किया हो एंड नेट एंड ग्रेड से इन्होंने पास आउट किया हो, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के कैंडिडेट जिन्होंने एमई एमटेक कंप्लीट किया हो, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की, कि इस वैकेंसी में कितनी एज लिमिट निर्धारित की गई है। तो इसमें कैंडिडेट्स की मैक्सिमम 28 साल की एज लिमिट निर्धारित की गई है एंड इसमें रिलैक्सेबल एज भी रखी गई है, जिसके लिए एसटीएससी के लिए 5 ईयर एंड ओबीसी के लिए 3 ईयर की एज लिमिट निर्धारित की गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इसे ऑफलाइन ही अप्लाई करें तो ठीक रहेगा। आप अपने फॉर्म को नेट के थ्रू डाउनलोड करके उसे फिल करके आप इस एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जॉब लोकेशन अहमदाबाद रखी गई है, जो कि महाराष्ट्र में है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।